हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फर्स्ट टाइम मॉम में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 थैंक यू फर्स्ट टाइम मॉम को इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम मॉम फैमिली ग्रो कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। एंड दो बच्चों के साथ इतने फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, इतना फ्रिक्वेंटली मैं अपलोड नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं मुझे जो दिक्कतें आती हैं, मुझे जो डाउट्स होते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ, जिससे कि न्यू पेरेंट्स को ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो। तो आज भी मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आई हूँ कि छोटे बच्चे की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बहुत जल्दी गैस हो जाता है, उनके टमी में बहुत फ्रिक्वेंटली गैस होने की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चा पूरा दिन मिल्क के ऊपर रहता है, पूरा दिन मिल्क पीता है एंड फिर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं होती। मतलब एक साल से छोटे बच्चे की बात करें तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, वो पूरे दिन लेटे रहते हैं, सिर्फ हाथ पैर हिलाते हैं। तो क्या होता है कि उसके टमी में बहुत जल्दी गैस हो जाता है एंड फिर वो बच्चे को बहुत डिसकम्फर्ट करता है, पेट में दर्द भी होता है एंड छोटा सा बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है, फिर वो रोता रहता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी जो अगर आप ट्राई करोगे तो बच्चों को 100% तुरंत ही गैस से छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड सभी नए वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके छोटे से बच्चे को गैस परेशान कर रहा है ना, आपको उससे छुटकारा दिलवाना है, तो सबसे पहली रेमेडी है जो कि बहुत पुरानी है एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो है हींग पेस्ट। हींग सबके घर में किचन में ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, कभी भी आपको मिल जाएगी, ये आसानी से बन जाती है। हींग पेस्ट बनाइए और आपकी ये जो दो उंगली है उससे आप बेबी के टमी के ऊपर उसको अप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखें कि बेबी के नावल में ये ना जाए, नावल के आसपास आपको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़े ही टाइम में धीरे धीरे बेबी के टमी से गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बच्चे को इससे आराम मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड हींग पेस्ट कैसे बनाते हैं अगर आपको जानना है तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है एंड इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए कि हींग पेस्ट कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि बेबी को बाइसिकल स्टाइल में एक्सरसाइज करवाना। जैसे आप बाइसिकल चलाते हो तो कैसे ऐसे पैडल करते हो, वैसे ही बेबी को एक फर्श पे लेटा दीजिए, फर्श पे या फिर बेड पे, एंड उसके दोनों पैर को पकड़ के आपको ऐसे ऐसे उसको एक्सरसाइज करवाना है। उससे क्या होगा, बेबी के टमी में इस एक्सरसाइज से बेबी के टमी में जो गैस है वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होगा एंड फिर बच्चे को गैस से आराम मिल जाएगा। ये हुई दूसरी रेमेडी। थर्ड रेमेडी जो है वो है बेबी को बर्प करवाना। बर्प मतलब बेबी को डकार दिलाना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जनरली तो क्या करना चाहिए कि बच्चा जब भी फीड करता है वही टाइम पे हमें बच्चे को डकार दिला देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा नहीं लेता है डकार और फिर उसकी वजह से उसके बॉडी में जो एक्सेस हवा जाती है उसकी वजह से फिर वो गैस फॉर्म हो जाती है। तो बच्चे को, अगर आपका बच्चा ज़्यादा क्रैंकी नहीं हो गया है, ज़्यादा नहीं रो रहा है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए बच्चे को बर्प करवाने का। बर्प करवाने की बहुत सारी टेक्निक्स है, आप इधर कंधे पे लेके बच्चे को पीछे से टैप करके भी बर्प करवा सकते हैं, बच्चे को पैर पे लेटा के भी बर्प करवा सकते हैं। तो बर्प करवाने की डिफरेंट टेक्निक्स है, अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि बच्चे को डिफरेंट तरीके से बर्पिंग कैसे करवा सकते हैं। तो बेबी को बर्प करवाइए, इससे क्या होगा उससे उसके बॉडी से जो एक्सेस गैस बना हुआ है वो निकल जाएगा एंड फिर बच्चे को कंफर्ट मिलेगा। तो ये हुई तीसरी रेमेडी। एंड चौथी रेमेडी जो है वो है बच्चे के टमी पे मसाज करना। बच्चे को लेटा दीजिए बेड पे या फर्श पे एंड फिर कोई भी ऑयल लेके बच्चे के टमी पे धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज कीजिए। 5 से 10 मिनट्स आप मसाज कीजिए बच्चे को जब तक कंफर्टेबल है। मसाज करने से क्या होगा, बच्चे की टमी में जो एक्सेस गैस रहा है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसे गैस से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो 4 रेमेडीज़ है वो ट्राई की हुई है, इससे बच्चे को, किसी बच्चे को कोई रेमेडी काम करती है, दूसरे को दूसरी, लेकिन ये 4 आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली बच्चे को इससे गैस से राहत मिलेगी, गैस से छुटकारा मिलेगा।
अगर गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है एंड बच्चा सहन नहीं कर पाता है, रोने लगता है, तो ऐसे टाइम पे आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये रेमेडीज ट्राई करके देखिए, अगर वो भी काम नहीं करती है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे टाइम में जनरली डॉक्टर कॉलिकीड या फिर ग्राइप पाउडर देने को सजेस्ट करते हैं। इसके फ्यू ड्रॉप्स लेने से ही बच्चे को गैस की प्रॉब्लम से आराम मिल जाता है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज जिससे आप ट्राई करके बच्चे के गैस के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा दूसरे पेरेंट्स के साथ जिनको ये यूज़फुल हो सके। मैं वापस आऊँगी विथ न्यू वीडियो एंड न्यू कॉन्टेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।